आधे चेहरे वाला रहस्यमय इंसान टोडा राय सिंह से चले और हसीन राहों को पार करते हुए पहुंच गए बीसलपुर डैम। ये दरक कहता है, आप भले ही हीरे तलाशते रहना, मैं परिंदों को आशियाना दे जाऊंगा। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इस डैम में तीन नदियों का जल आता है। भूख लगी हो तो गर्मा गर्म भुट्टे खाओ। पानी के बीच प्राचीन गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर किसी रहस्य लोक की तरह दिखाई देता है। कहा जाता है कि रावण ने इस गुफा में तपस्या की थी। गुफा को काट के फिर मंदिर बनाया है। अच्छा। शिवलिंग पर गाय के कान बने हुए हैं। गाय का कान का निशान बना हुआ है। अच्छा। और ये पिंड 50 फीट नीचे गिराई तक है। हाँ। यहाँ रावण ने तपस्या करी थी, अपना प्रकट हुई मूर्ति है और ये 18 फुट की शिवलिंग है। नंदी जी के कान में कुछ कहने से मनोकामना पूरी हो जाती है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा भाई, कान छेदते हो? कान छेदते। एक व्यक्ति के कान छेदने के कितने पैसे लेते हो? मौज मस्ती की जिंदगी जीते हुए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के बीसलपुर डैम में। हम बड़े सवेरे जयपुर से चले थे और फिर सबसे पहले डिग्गी में कल्याण जी मंदिर में दर्शन किए भगवान के। इसके बाद वहाँ से चले तो टोडा राय सिंह में हाडी रानी की बावड़ी देखी, महल देखा और अब हम चल रहे हैं बीसलपुर डैम। यह टोडा राय सिंह से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ते की हसीन वादियां दिल मोह लेती हैं। सड़क के दोनों तरफ हरियाली और इस खूबसूरत रास्ते पर ड्राइव करते हुए एहसास होता है कि हम राजस्थान में नहीं बल्कि पहाड़ों का मज़ा ले रहे हैं। इन राहों को हरे भरे खूबसूरत दरख्तों ने सजा रखा है। शायर शजर ने वन के बारे में क्या खूब लिखा है, वन जब तक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर तुम्हारे घर की चौखट की खिड़कियां दे जाएगा। जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे तब तुम्हें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा, जो ना दे पाए उसे ज़िंदगी जीने का हक, शजर उनके लिए भी यह कुर्सियां दे जाएगा। आप हीरे खोदते रहना भले ही माटी तले, वो परिंदों के घरों को पत्तियां दे जाएगा। डॉक्टर बी प्रसाद जी, एक वृक्ष कितनी ऑक्सीजन देता है? एक पीपल का पेड़ अपने पूरे जीवन में कम से कम 68 टन ऑक्सीजन देता है। थोड़ी दूर है। अच्छा, ये गांव को कई नाम है? करोली। तो यहाँ अठे रास्ते में कटे खानों नहीं मिले माने, आगे है कोई होटल? बटे तो कौन है? आगे बटे बटे मिल जाए कोई? आगे मिल जाए, होटल बढ़ाओ। अच्छा अच्छा। मित्रों, रास्ते में भूख लगी तो देखा शिव लहरी जनरल स्टोर एंड टी स्टॉल। ये जनरल स्टोर और टी स्टॉल तो बंद है, लेकिन पास में यहाँ पकौड़े बन रहे हैं। इस हरियाली के बीच गर्मा गर्म चाय का लुत्फ लिया जाए और क्यों ना पकौड़े खाए जाए। वहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। आ गए हैं गर्मा गर्म पकौड़े आलू और प्याज के। भाई कैसा स्वाद लग रहा है? अच्छा। जो भी आता है
बीसलपुर जाते समय लगता है यहाँ रुकता है और पकौड़ों का मजा लेता है। कहाँ से आए आप लोग? हम टोंक से। अच्छा अच्छा, और पकौड़ों का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी मिर्ची ज्यादा है। मिर्ची थोड़ी ज्यादा है। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर। अरुण। अरुण मंसूरी। यहीं पर आधे सिर वाला एक रहस्यमय इंसान मिला, क्यों ना इनकी दर्द भरी दास्तान सुने। आपका क्या नाम है? कालू जमान। कालू जी, बाबू जी मोट टकराएगो तो आधो माथो कटर में टकराए जड़े ही रहेगी। अच्छा, ओहो, तो देखो कैसे टकरा गया? मोटरसाइकिल। अच्छा, देखिए मोटरसाइकिल से ये टकराए और ये देखिए पूरा सिर इनका आधा पिचक गया। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? मैं तो आ रही जो अटे दारू पेड़ जिगी हो। अच्छा, अब कौन ने ध्यान जो भाई दारू पी रही जी? जो नहीं कराते हैं यूं करियो, जो अब मैं खड़े जाऊँगा अड्डी पाइपलाइन आएगी, अट्टी खाई आएगी, तो देर ही पाएगी भाई। देखिए मित्रों, ये चले आ रहे थे, कोई शराब पीकर मोटरसाइकिल पर आया और संतुलन खो दिया, इनके टक्कर मार दी। ये चार टोर से पैर टूट गया साहब, पैर टूट गया। और ये देखिए सिर बिल्कुल इनका आधा तो मेरे वीडियो को देखने वाला हूँ, याद रखना शराब पीना बुरी आदत है। मैं जब भी किसी सफर पर जाता हूँ रास्ते के लोगों से मिलता जाता हूँ, उनके दुख दर्द भी सुनता हूँ। तो अब आप जो आपके इतने एक्सीडेंट के बाद इतनी चोट लगी आपकी, तो कैसे गुजारा करते हो आप? अभी यो आज काम नहीं करे। अच्छा, और यो पैर भी काम नहीं करे। हाँ, अब काय करो भाई, डोकरी भी फूटी आत्मा से। अच्छा, कौन सा दूसर दिया? हाँ हाँ, 5 किलो का वो मिलता है जो कटवा दिया खड़ा कौन। अच्छा, तो 5 किलो राशन का गांव मिलता है जो भी बंद। कैसा रहस्य है आधा चेहरा? अब काय करो, आधा चेहरा तो बिल्कुल दुर्घटना के कारण पीछे गया। बोट ले बाबू जो तुम्हारी पेंसिल बांध देंगे, बोट दो बदे। हाँ दादा, दे हाँ आओ जरे बोट देते जा, बोट देर जाओ जो पाचे ना। रास्ते में बालाजी सोडा शॉप भी मिली, एप्पल ऑरेंज कोला जीरा मसाला फ्रूट बियर ब्लू बेरी, क्या बात है भाई। कितने कितने के हैं? 10। ओनली 10 रुपए। अब यार भाई ये रास्ते बड़े खूबसूरत है बिसलपुर तक के। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ लोग बाग खूब आते रहते हैं, जो भी जाता है यहाँ रुकता है। और ये आपके सोडा शॉप पर ये तरह तरह के फ्लेवर के जूस पीता है फिर आगे जाता है जी। अच्छा अच्छा, ये ऐतिहासिक नगरी है टोडा राय सिंह। अच्छा, 365 तो बावड़िया है यहाँ पे। अच्छा, 365 ही मंदिर है। अच्छा, इसी वजह से ऐतिहासिक नगरी कहलाती है ये। हाँ हाँ, ये है बड़े बड़े पाइप बीसलपुर बांध से शुरू होते हैं और जयपुर और कुछ और गांवों कस्बों पर पानी की सप्लाई। दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूरा हुआ। यह कंक्रीट से बना हुआ है। यह बांध जयपुर, टोंक, अजमेर सहित कई शहरों की प्यास बुझाता है व सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करता है। बीसलपुर राजस्थान के टोंक जिले में एक गाँव है, जो बीसलपुर बांध के अतिरिक्त भगवान गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। यह बांध 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा है। बनास नदी के किनारे यह स्थान देश विदेश के पर्यटकों के लिए दर्शनीय बन चुका है। इसका सतह क्षेत्रफल 218.36 किलोमीटर है। इस डैम में कुल 18 गेट हैं जो 15 से 14 मीटर साइज के बनाए गए हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 322.50 मीटर है। बांध का जल भराव क्षेत्र 25 किलोमीटर है, जिसमें से कुल 21,030 हेक्टेयर भूमि जलमग्न रहती है। अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, पुष्कर, विजयनगर समेत लगभग 1100 से ज़्यादा गांव में रोजाना जल आपूर्ति की जाती है। आप यह भी जान लीजिए, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिलों से बांध में पानी की आवक होती है। डैम का एरिया शुरू हो गया।
बीसलपुर बांध का जल मानो दुनिया से कहना चाहता है, मानव रखना याद तू जल जीवन का मूल, बूंद बूंद संभालना रखना यही असूल, पानी अमृत था कभी सूखी नदियां ताल, दर दर सब खोजते जीना हुआ मुहाल, जल बिन जीवन है नहीं जल देता है प्राण। और ये देखिए ये भी अपना गुजर बसर कर रही है, भुट्टों को होंगे कितने का है ये भुट्टा? ये 25 का थे, 50 का दो थे। अच्छा 50 के दो, 50 रुपए के दो। अच्छा और मूंगफली 100 ग्राम। मित्रों बांध के बारे में तो आपने जाना, ये सामने गो कर्णेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसके भी दर्शन कराने ले जाऊंगा और इस मंदिर के प्राचीन इतिहास से अवगत कराऊंगा। मुंडेर पर हसरत भरी नज़रों से कुछ वानर बैठे हुए पर्यटकों को देख रहे हैं, आप इनसे डरिए नहीं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इन्हें तो इंतज़ार रहता है कि कोई आए इनको केला वगैरह खिला जाए। इसे देखिए चुपचाप बैठा है और उधर दोनों आपस में बतिया रहे हैं, और ये मारुति नंदन न जाने कहाँ चल रही है। मित्रों आप यदि यहाँ आए तो गो कर्णेश्वर महादेव मंदिर अवश्य देखें, किनारे किनारे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आप पैदल जा सकते हैं, यहाँ आपको वहाँ जाने के लिए ऑटो भी मिल जाएगा, लेकिन हम अपने 4-व्हीलर से ही वहाँ जा रहे हैं। लीजिए आ गया मंदिर का द्वार, भक्तों के स्वागत के लिए तैयार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। और आपका? खुशबू। तो खुशबू कैसा लगा ये बीसलपुर डैम आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए? हाँ किए। ओके आओ सेठ जी। ये तो भगवान जी। हाउ डिड यू एंजॉय दिस प्लेस? डिड यू एंजॉय? वेरी मच यस। दैट्स सो नाइस। व्हाट्स योर गुड नेम? भावना। भावना, भावना यहाँ जो है पिक्चरस ब्यूटी है, कुदरत की खूबसूरती देखते ही बनती है, इज इट सो? यस। चारों तरफ रहस्यमय पहाड़ियां हैं, कहते इन्हीं पहाड़ियों की गुफाओं में कभी रावण ने तपस्या की थी, इस बारे में पुजारी जी से मंदिर में जाकर विस्तार से जानेंगे। इसका भी कान छेद है। अच्छा भाई कान छेदते हो? कान छेद। एक व्यक्ति के कान छेदने के कितने पैसे लेते हो आप? तो गजो ले लेंगे ना। अच्छा बतलाइए तो सब क्या आप ही 500 रुपए दे दो, फिर पेट्रोल के पैसे नहीं आए, अगर दे रहे हो तो 500 रुपए दे दो। पुजारी जी जय महादेव, इस प्राचीन मंदिर का इतिहास हमें बतलाएं। ये मंदिर काफी पुराना है। अच्छा। रावण ने तपस्या की थी काफी टाइम तक। अच्छा किन्होंने ने तपस्या की थी? रावण ने। रावण ने? हाँ। अच्छा ये एक गुफा के अंदर है, इस गुफा में ही तपस्या की थी, इस गुफा को काट के फिर मंदिर बनाया है। अच्छा इनका नाम गोकर्णेश्वर महादेव है, इनकी गाय का कान का निशान बना हुआ है। अच्छा और ये पिंड 50 फीट नीचे गिराई तक है। 50 फुट नीचे गहराई तक आप जितना भी जल डालोगे पानी अभिषेक। अच्छा। डालोगे नीचे पहाड़ में जाएगा। 50 फीट नीचे तक जल डालेगा और जल ही जल रहेगा? जल नीचे जाता है, यहाँ नहीं रुकता, सारा पानी पहाड़ में जाता नीचे। अच्छा और ये सामने जो मूर्ति है ये पार्वती माता की है, ये बाद में स्थापना की है, ये तो मित्रों आपने गो कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए, जिस गुफा में रावण ने तपस्या की थी उसे ही तराश कर यह मंदिर बनाया गया है। यह श्रावण मास चल रहा है, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवलिंग के विषय में हमें रहस्यमय जानकारी मिली, यह शिवलिंग स्वयंभू है और बहुत गहराई तक जाता है, और खास बात है
कि इस पर स्वतः ही गाय के कान बने हुए हैं, इसीलिए इसे गो कर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में इतिहास की न जाने कितनी कहानियों की गूंज सुनाई पड़ती है। पुजारी सौरभ पाराशर जी ने एक और रहस्य उद्घाटित किया। ये मंदिर पुल्लेश्वर ऋषि के पौत्र रावण द्वारा तपस्या की गई है। से बोलिए, पुल्लेश्वर ऋषि के पौत्र रावण द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई है। जब रावण बाल्यकाल में जब 12 वर्ष के आयु के अंदर कुंभकर्ण और के साथ में दादा की से दीक्षा लेने आया था, ये अरावली श्रृंखला है, ये पुल्लेश्वर ऋषि की तपोभूमि है। पुल्लेश्वर ऋषि ब्रह्मा के संतान थे, उनकी तपोभूमि है अरावली। तो बचपन में जैसे अपन दादे के घर जाते हैं, वैसे ही रावण अपने दादा के पास, रावण के क्या पिता तो थे ब्राह्मण और माँ राक्षसी थी, और रावण ने यहाँ आके तब भगवान शंकर का आराध्य किया था, दर्शन किया था, फिर भगवान रावण से प्रसन्न होकर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में उतर लिए थे और उन्हें वरदान दिए थे। ये धूनी है, ये भी रावण के टाइम की है। बहुत अच्छा। यहाँ नंदी जी के कान में कुछ कहने से मनोकामना पूरी हो जाती है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है। हाँ। मित्रों, हमारी मुलाकात जगदीश जी पाराशर से हुई, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और इस मंदिर से की सेवा से बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं। तो पाराशर जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बतलाएं कि इस मंदिर का नाम गो कर्णेश्वर मंदिर क्यों पड़ा? ये गोपनेश्वर महादेव इसके लिए पड़ा है कि गौ के कान से गौ गोपनेश्वर महादेव रखा गया है। और ये गोपनेश्वर दो भाई थे, एक भाई पुष्कर राज में है, दूसरा भाई गोपनेश्वर स्थान पर, ये खुले स्थान में रहना। ये दोनों भाई गाय के कर्ण से जन्मे थे, कान से? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये गोपनेश्वर खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं और ये बीसलपुर चार धाम में पांचवा धाम स्थान माना जाता है। ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पर हजारों की तादाद में दर्शन करने आते हैं और सावन में तो अति मेला लगा रहता है और ये त्रिवेणी का संगम है। तो यहाँ कौन कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? तीन नदियाँ हैं, बनास, खारी और दया नदी है, और ऊपर त्रिवेणी है। मित्रों, पाराशर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ सहज और सरल भाषा में हमें ये बताया कि इस स्थान का नाम गो कर्णेश्वर मंदिर क्यों पड़ा और इन्होंने गाय के कान से जन्मे दो तपस्वी भाइयों की दास्तान भी हमको सुनाई। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से आपको शशद धन्यवाद। शर्ट पर ये बड़ा खूबसूरत है, कलटप्पन नाम है इसका। अच्छा। तो हम राजस्थान से आए हैं। हाँ। ये हमारे जिले की तहसील है। हाँ। टोडा के अंदर पड़ता है। हाँ। बिशलपुर डैम, यहाँ घूमने आए एंजॉयमेंट के लिए। ओके। करने वाले हैं, शुभ नाम आपका? पारस। मित्रों, आपने बीसल देव बांध और यहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन गो कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए और आप उस रहस्यमय व्यक्ति से भी मिले जिसका आधा सिर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि श्रावण मास में महादेव की कृपा सब पर बरसे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। आप भी मेरे साथ रहिए। जय कर्णेश्वर महादेव।